tends to revolve around the planet in a coplanar circular orbit. In same sense, the period of revolutions are 1 hour and 8 hour. So time periods aapko given hai. The radius of orbit of S1 is given. What is the radius of satellite of S2? So aapko radius ki value nikalni hai. And second, when S2 is close to S1, what is the speed of S2 relative to S1? So aapko iski value nikalni hai ki relative speed nikalni hai. सबसे पहले क्योंकि टाइम पीरियड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो क्या लगेगा कैपलर्स लॉ टाइम पीरियड T1 पता है T2 पता है R1 पता है R2 निकाल लिया कैपलर्स लॉ लगाया और लेट से R2 की वैल्यू मैंने निकाल ली 4 × 10⁴ किलोमीटर ठीक है तो ये आपके पास डिस्टेंस R2 की वैल्यू आ गई तो एक प्लैनेट R1 में घूम रहा है एक प्लैनेट R2 में घूम रहा है तो इनका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2πr1 2πr2 अपॉन v1 एंड v2 यहां तक क्लियर है तो यहां से r2 की वैल्यू आ गई एंड r2 की वैल्यू एक बार आ गई तो आपको एक आंसर आ गया फिर आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ s2 विद रिस्पेक्ट टू s1 तो इसमें ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1 v2 का मतलब 2πr2 t2 और v1 का मतलब 2πr1 t1 r1 r2 की वैल्यू मालूम है टाइम पीरियड्स मालूम है आंसर आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है हाउ टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए v2 माइनस v1 उसके लिए आपको चाहिए होगा 2πr1 2πr2 ठीक है यहां तक तो यहां से इन दोनों को माइनस कर लो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी मींस बस वो एक यही फर्क होता है ना कि एक पीछे हो रहा है और एक आगे जा रहा है विद सम रिलेटिव वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 सबने ट्राई किए कितने कितने क्वेश्चन हुए किसके 20 तक हाथ खड़ा करना कितने कितने लोगों ने ट्राई कर लिए 30 तक 40 तक 50 तक 45 तक ठीक है चलो समझ सकता हूँ मैं कहना आसान है करना मुश्किल है शाम को 7 बजे जाके सुबह 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन करने मुश्किल होते हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं आप ट्राई करो कम से कम 25-30 तक तो होने चाहिए चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है इफ मास m इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स m एंड m-1 व्हिच आर देन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r द रेशियो ऑफ m इज टू m दैट मैक्सिमाइजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पार्ट्स इज व्हाट तो सबसे पहले एक मास के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ डिस्टेंस अपार्ट कर दिया तो इनके इन 2 टुकड़ों में फोर्स की वैल्यू क्या होगी जी एम एम माइनस एम अपॉन आर का स्क्वायर ठीक है 2 मासेस हैं लेकिन ये तो सिर्फ फोर्स की वैल्यू आई ये तो सिर्फ फोर्स की वैल्यू आई मेरे को कौन सी फोर्स चाहिए मैक्सिमम तो मैक्सिमम फोर्स की चाहिए की वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ अगर फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो याद है हमने किया हुआ है फोर्स को क्या कर देना है डिफरेंशिएट किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना है तो उसको डिफरेंशिएट और इक्वल टू 0 याद आ गया तो उस टर्म को डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 लेकिन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट जो निकालना है क्या निकालना है इसमें छोटे m की वैल्यू क्या हो कि मैं कितने टुकड़े करूं और कैसे टुकड़े करूं मासेस क्या लूं ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए ठीक है याद तो अगर आपको ये पूछा होता कि कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r लेकिन अगर आपको मासेस की रेशियो पूछी गई है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m ठीक हो गया
तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू छोटा m, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये तो जीरो से जीरो से कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, यहाँ से m आएगा क्योंकि dm बाई dm 1 होगा और यहाँ से 2m आएगा। सॉल्व करो दोनों की रेशियो क्या आ गई 1:2। ठीक है ना, यहाँ तक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर कि कैसे करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपके डाउट्स हैं? मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया था, पर कोई बात नहीं, पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से। टू क्या हुआ है? क्या हुआ है? रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 3 पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं। हिंट दे देता हूँ, एफ ग्रेविटेशन फोर्स है, याद आ गया, इनके बीच में एंगल 60 था, तो पहले रिजल्टेंट निकालते थे अंडर रूट ऑफ याद आ गया और इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर। फिर भी अगर डाउट है तो जाते हुए पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेफर कर सकते हो अपने असाइनमेंट में, आपने लिया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दो पार्टिकल्स हैं इक्वल मास मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। If the mass of each particle is बड़ा m, speed of each particle is what? तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये एक पार्टिकल है m, ये एक पार्टिकल m, separated by moving in a radius of r, radius का मतलब diameter इनका क्या हो जाएगा 2r, दो पार्टिकल के बीच में यानी कि सेपरेशन कितनी हो गई 2r, तो इनको कौन मूव करवा रहा है सर्कल में, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम बाय 2r स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल फोर्स टू ईच पार्टिकल, तो इसलिए यहाँ पर मास सिर्फ एक पार्टिकल का आएगा क्योंकि सिंगल एक पार्टिकल की जो सेंट्रीपेटल फोर्स है एमवी स्क्वायर बाय आर है, एमवी स्क्वायर बाय 2r नहीं है क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो एमवी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम एम बाय 2r का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल फोर्स, बस यहाँ 2r का ही चक्कर है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, याद क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 तो हमने कर लिया था, मैंने बताया था ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो वाला, मास और मास बहुत बड़ा एक बैलेंस है, किया था ना लास्ट टाइम से। 5 आंसर ठीक नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा। अच्छा, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वेयर द वेट ऑफ द बॉडी आर 0 एंड 1/4 दैट द वेट ऑफ द बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आर, वेट 0 कहाँ होता है, सेंटर पे, तो 0 तो अर्थ यहाँ है, और मुझे बताना है कि अगर मैं हाइट पे ले जाऊं, तो अगर मैं हाइट पे ले जाऊं तो हाइट के ऊपर वेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड 1/4 दैट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, नहीं हाइट नहीं, डेप्थ में लेके जाना है, सॉरी मैं अर्थ के डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, दो पार्ट्स हैं, बताओ जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ वेट 0 कब होगा, कब होगा सेंटर पे, बताओ वेट 1/4 कब होगा, ठीक, और कहां से डिस्टेंस निकालना है, फ्रॉम सरफेस से, तो इसमें पहला इक्वेशन तो क्लियर है, सेंटर पे जी 0 होता है, ठीक, वैसे जी कैसे चेंज होता है डेप्थ की वजह से, ये चीज क्लियर है, जी इंटू 1-d/r ये भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब जी डैश, और हाँ ये जो हम फॉर्मूला करते हैं ना, इस फॉर्मूले में अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं डी डिस्टेंस नीचे आ चुका हूं सेंटर से, मैंने फॉर्मूला एक्स की फॉर्म में करवाया था, एक्स बाय आर एक ही बात है, यहाँ डी लिख लो, तो ये इस केस में डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम सरफेस से, सरफेस से, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, जी डैश की जगह क्या पुट करना है, जी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्या
کیا گیون ہے کہ ویٹ کی ویلیو کتنی ہو جائے 1/4. ماس تو چینج ہوتا نہیں, اس کا مطلب کیا ہوگا, ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی چینج ہو رہی ہے, کتنا ریڈی کتنا آ رہا ہے, کینسل کرنا, جی سی جی کینسل, ڈی کی ویلیو کیا رہی ہے 3r/4. ٹھیک ہے, سرفیس سے آنسر اس کا مطلب 3r/4 ہے, لیکن سینٹر سے آنسر کیا ہوگا پھر r/4, ہو سکتا ہے پھر غلطی ہو, 3r/4 آنسر ہے. پوائنٹ کلیئر ہے, مطلب آپ کا جو آپشن ہو پیچھے کی بنو سینٹر سے, لیکن بول ہو رہا ہے سرفیس سے, 3r/4 سے. میتھڈ کلیئر ہے نا کہ کہاں سے نکالنا کیسے, یہ چیز کلیئر ہے. ڈونٹ وری, آپ کی کمپٹیشن میں کوشچن غلط نہیں آتے, بکس غلط ہو سکتی ہیں, بٹ کمپٹیشن میں ایک دم ٹیسٹڈ کوشچن ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک, نیکسٹ 7th کوشچن, یہ بڑے فیمس کوشچن ہے, 7th کوشچن, بہت بکس میں آپ کو اس کا یہ ملے گا. Gravitational force varies inversely as nth power of the distance. Normally جو gravitational force ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, gmm divided by, وہ کہہ رہے نہیں r square نہیں کرنا, r is to power کیا کرنا ہے, m کرنا ہے. Time period of planet کیا ہوگا, time period نکلتا کیسے, پہلے نکلتی ہے orbital velocity, orbital velocity سے نکلے گا time period. ہم ایسا کریں, جی آربٹل ویلوسٹی کیسے نکلتی ہے, گریویٹیشنل کی جو فورس ہوتی ہے, یعنی گریویٹیشنل فورس پرووائڈ سینٹریپیٹل فورس ٹو دی پارٹیکل, ایسے کرتے ہیں نا آربٹل ویلوسٹی, کلیئر ہے سب کو, چھوٹے ماس سے چھوٹا ماس کینسل, تو وی کی ویلیو آ گئی انڈر روٹ آف جی ایم, یہاں سے سالو کرو گے تو کیا آئے گا, آر از ٹو پاور این. ٹائم پیریڈ ہے 2πr/v, 2πr/v کی جگہ انڈر روٹ آف جی ایم, آر ریز ٹو پاور این مائنس, یہ بھی ٹھیک ہے, یا ٹی از اکول ٹو 2π کو باہر رکھو, آر کو اوپر لے جاؤ, آر کو اوپر لے جاتے کیا آئے گا میرے پاس, آر کو اوپر لے کے جائیں گے تو, اور باہر والے آر کو بھی اندر لے جاؤ انڈر روٹ کے, آر اسکوائر آر ٹو پاور این مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی انڈر روٹ آف جی ایم. ٹھیک ہے نا, اس کو اوپر لے گئے اور آر کو انڈر روٹ میں لے گئے, آر اسکوائر ہو گیا. تو ٹائم پیریڈ از پرپورشنل ٹو, اس کو بھی چھوڑو پرپورشنل بتانا ہے, اس کو بھی چھوڑو, انڈر روٹ آف کیا لکھیں گے, آر ریز ٹو پاور کیا, این پلس 1, صحیح ہے, یا پھر ٹی از پرپورشنل ٹو آر ریز ٹو پاور این پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی. ٹھیک ہے نا, یہاں تک بس کچھ نہیں ہے, میں نے یاد نہیں کیا ہوا, آپ کی ساری بکس آپ کو یاد کروائیں گی شارٹ کٹس, آپ جب بکس کھولو گے نا آبجیکٹو, اس میں شارٹ کٹس بھی بنے ہیں کہ اگر آر کی پاور این ہو جائے تو ٹائم پیریڈ ایسے ہوگا, ویلوسٹی ایسی ہوگی, میرے حساب سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیسٹ ہے. ٹھیک, شارٹ کٹ آج یاد ہو جائیں گے, ایک سال کے بعد کچھ نہیں یاد رہے گا, پر یہ تو یاد رہے گا کہ پلانٹ کیوں گھوم رہا ہے, بیکاز آف گریویٹیشنل فورس پرووائڈنگ سینٹریپیٹل فورس. کوئی ڈاؤٹ اس میں, سمجھ آ رہا ہے سب کو, نیکسٹ کرتے ہیں پھر. Question number 8 ہو گیا تھا, 9 ڈاؤٹ ہے, 8 کرنا ہے, گریویٹیشنل پوٹینشیل گیون ہے ایٹ اے ہائٹ ابو دی سرفیس آف ارتھ, مینس کہ اگر یہ ارتھ ہے, یہ آر ہے, یہ ایچ ہے, تو یہاں پر وی گیون ہے, وی کیا ہوتا ہے, مائنس جی ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر پلس ایچ ہو جائے گا, اس میں ڈسٹینس آف سینٹر
इसकी वैल्यू क्या गिवन है, -5.1 इनटू जो भी गिवन है, ऐसे कर लो इसको इक्वेट, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, कैपिटल जीएम की जगह, नहीं ये भी ठीक है, जी पता है, एम पता है, एम पता है, एम नहीं पता यार, कोई बात नहीं, फिर और भी तरीके हमारे पास सॉल्व करने के, छोड़ दो इसे, जीएम की जगह पुट कर लो स्मॉल जी, अब ठीक है, अब इसमें मुझे वैल्यू ऑफ जी पता है, आर पता है, आर पता है, यहां से क्या जाएगा एच, ठीक है ना, मेथड क्लियर है, बिकॉज पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल को पोटेंशियल के इक्वल कर दिया, कैपिटल जी एम नहीं पता तो स्मॉल जी आर स्क्वायर तो पता ही है, वहां से आंसर आ गया। अब बोलो नाइन्थ डाउट है तो हाथ खड़ा करो, टेन इलेवन ट्वेल्व, क्वेश्चन यही है ना, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, हो गया था, इंटरस्टीलर स्पेस क्या होता है, जहां पर स्टार्स होते हैं और स्टार कितने डिस्टेंस पे होते हैं, इनफाइनाइट, समझो कि ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ गया, इंटरस्टीलर स्पेस का मतलब जहां स्टार्स हैं, स्टार्स मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि एस्केप वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, रॉकेट इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ गिवन अर्थ की सरफेस पे, स्पीड इन इंटरस्टीलर स्पेस क्या होगा, क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये अर्थ है, जब वो यहां पर था तो एनर्जी कितनी थी, माइनस जी एम एम बाई आर, साथ में मैंने कुछ काइनेटिक दी थी, हाफ एम इन टू अंडर रूट ऑफ टू जी आर का स्क्वायर, ऐसे था ना, बार है टू, टू इन टू अंडर रूट ऑफ जी आर, इतनी एनर्जी थी। अब इंटरस्टीलर स्पेस का मतलब कि यहां पर मूव करते हुए सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है, इक्वेट कर लोगे इन दोनों को, इक्वेशंस को, वी आ जाएगा। मेथड समझ आ रहा है ना, इंटरस्टीलर स्पेस का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लेनी है। यहां तक मैंने कहा हमने रॉकेट को प्रोजेक्ट किया था इतनी वेलोसिटी के साथ, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल इतनी थी, वो इंटरस्टीलर स्पेस में चला गया, इंटरस्टीलर का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस, पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जी एम एम बाई इन्फिनिटी जीरो, काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेट करके भी निकाल लेना, ठीक। नेक्स्ट है 17 कर लेते हैं, 17 है डाउट, इफ रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज आर, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज टी, मास ऑफ सन इज व्हाट, ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ का मास छोटा एम है, सन का मास बड़ा एम है, जो कि मुझे निकालना है, रेडियस इसमें आर है, जो भी है कैपिटल आर है, क्यों अर्थ मूव कर रही है सन के आसपास, जी सही, और अर्थ को घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी कर सकता हूं मैं इंस्टेड ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर, ये भी तो फॉर्मूला है सेंट्रीपेटल का, एम से एम कैंसल, तो मेरे पास क्या आ गया, जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा की जगह टू पाई बाय टी का स्क्वायर, टी निकाल लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं टी, टी नहीं निकालना है, सॉरी यहां पर आपको क्या निकालना है, एम निकाल लेना, मेथड क्लियर है, अर्थ क्यों घूम रही है सन के आसपास, सेंट्रीपेटल, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी, एम निकाल लेना, ट्राई तो क्या आते हैं क्वेश्चन घर से,
पास ये करेक्शन है क्या, आर इज टू पावर माइनस फाइव बाई टू, चेक करना करेक्शन है, मतलब नो कुछ सेम है असाइनमेंट में, माइनस कर लो क्यों, इसमें बस यही गिवन है कि अगर फोर्स है, अगर फोर्स की जो वैल्यू है वो जी एम एम डिवाइडेड बाय आर रेज टू पावर फाइव बाई टू होती है। सुबह नहीं आया, चल सुबह नहीं आया, टाइम वेस्ट करवाया ये वाला, जैसे तीन चार बार पूछा था ना मैम ने, तेरे लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो करनी थी, बाकी लोग कर गए जिनको आती थी और तू रह गया, फिर डेढ़ घंटा फिर कहाँ से लाए, पता ना एक्चुअली तेरे को ये नहीं पता कि सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं एक बार, इनके लिए तो बोनस है, तेरे लिए बोनस नहीं, यहाँ तो क्लियर है। तो बस क्वेश्चन वही सेम है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसिल, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की, आपको टाइम पीरियड निकालना है, टू बाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी वी, अभी किया था ना मैंने, ठीक है ना, एन प्लस वन बाई टू जिसका आंसर आया था अभी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसका आंसर टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर एन प्लस वन बाई टू आया था, पर उसमें फर्क ये था कि ये एन था, इसमें ये फाइव बाई टू है, तो सेम ही तो कर रहा हूँ, वी निकालना यहाँ पुट कर देना आंसर आ जाएगा, ये भी डाउट है 19 21 Rocket is fired vertically from ground इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, ग्रेविटेशन को छोड़ो, 40 किलोमीटर की हाइट तो कुछ भी नहीं है, मैंने रॉकेट को लॉन्च किया किसी, नहीं इसमें वेलोसिटी नहीं गिवन ना, बस वो तो कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं कह रहा था कि अगर यहाँ वेलोसिटी गिवन होती ना, एक्सेलरेशन गिवन है तो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है ना, पहले रेस्ट पे था, वेलोसिटी इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 थी पॉजिटिव इंजन की वजह से, वैसे नेगेटिव होती है अगेंस्ट ग्रेविटी, पर वो उनके लिए होती है जिन ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट में इंजन है वो उसको ड्राइव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कैन बी जनरेटेड, वेलोसिटी बढ़ रही है, कितने टाइम के लिए रॉकेट उड़ा, एक मिनट के लिए, एक मिनट के बाद वेलोसिटी निकाल लो क्या होगी, v इज u प्लस v आ गया, लेट सपोज यहाँ पर v आ गया, उसके बाद रॉकेट बिना फ्यूल के उड़ा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और यहां से यहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, माइनस 10, माइनस 9.8 या माइनस 10, रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई इसके बाद, तो यहां से आप क्या करोगे, अप्लाई करो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस, एस निकाल लो, ऐसी यहां से एस निकाल लो, ये भी एस आ गया, ये भी एस आ गया, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है ना, यहां तक पॉइंट सबको समझ आ रहा है कि पहले काइनेमेटिक्स की तरह ही सॉल्व करने को बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट और फेवर में जा रहे हैं, पहले हम एक्सेलरेट कर रहे हैं फिर हम रिटार्ड कर रहे हैं, तो पहले पार्ट का एस तो निकाल ही लोगे, सेकेंड पार्ट के एस के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए थी, जो फर्स्ट पार्ट की फाइनल वेलोसिटी है, सेकेंड पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, जो फर्स्ट पार्ट की फाइनल वेलोसिटी है वो सेकेंड पार्ट की निकाल लें, ठीक है आदर, कोई डाउट इसमें, दीक्षित इधर के आना कितना आ रहा है,
کر دو, کوئی بات نہیں. ویسے اگر کسی اور طریقے سے کرنا ہے ہو تو جائے گا, انرجی کنزرویشن سے. مطلب انرجی کنزرویشن میں پھر ایسے لگانا پڑے گا کہ اگر یہ ارتھ ہے یہاں پر مائنس جی ایم ایم بائی آر اور کائنیٹک زیرو ایکسلریٹ کر رہا ہے, یہاں پر مائنس جی ایم ایم بائی آر پلس ایچ پلس ہاف ایم وی. مشکل ہے یہاں سے ہونا کیونکہ نہ تو وی نکلے گا نہ ایچ. وہ میرے والا میتھڈ زیادہ ٹھیک ہے, اپروکسیمیٹ آنسر آپ کو دے گا ہی. ایسے کیا ہوا ہے. نیکسٹ 22nd کوشچن, 23rd, بال ہے جس کا ماس ایم ہے is fired vertically from surface of earth with velocity of n times escape velocity where n is less than 1, یعنی کہ escape velocity سے کم velocity ہے, جیسے n کی ویلو ہاف ہے تو یعنی کہ باڈی کو پروجیکٹ کیا بھی تھا ویلوسٹی آف وی بائی 2. اگر n greater than 1 ہوتا تو پکا اسکیپ کر جاتا, n is less than 1 ہے تو اسکیپ نہیں کرے گا. ہائٹ بتاؤ کتنی اٹین کرے گا. تو ٹھیک ہے آپ سرفیس آف ارتھ لے لو, آپ نے n into v سے اس کو پروجیکٹ کیا تھا تو کائنیٹک انرجی ہاف into m into nv کا اسکوائر. پوٹینشیل کتنی ہے, مائنس جی ایم ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر. کچھ ایسے ایچ ہائٹ نکالنی ہے, ایچ ہائٹ پر مائنس جی ایم ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر پلس ایچ آر پلس. ان دونوں کو ایکویٹ کر لو کیونکہ کائنیٹک ٹاپ موسٹ پوائنٹ پر کیا آ جائے گی زیرو. کائنیٹک کی ویلیو زیرو آ گئی, ایچ نکال لینا ایچ کی ویلیو آئے گی. آدھے کوشچن تو میں دیکھا انرجی کنزرویشن سے نکل جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا, یہاں تک کلیئر؟ ٹوینٹی فور سبجیکٹو کوشچن تھا, ویسے مجھے لگا شاید ہو گیا ہوگا. ویسا نہیں ہے, سبجیکٹو ویسا نہیں, الگ ہے. اسپیڈ آف ارتھ روٹیشن اباؤٹ ایکسس از اومیگا, اٹس اسپیڈ از انکریز ٹو ایکس ٹائمز ایکس اومیگا سو دیٹ افیکٹو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی ایکول ٹو زیرو. اب ایکویٹر کے اوپر ایکسلریشن کی ویلیو جی, صحیح ہے, یہی ہوگا. اینڈ میں اس کو زیرو کرنا چاہتا ہوں, جی مائنس. کیسے زیرو کریں گے, اومیگا کی جگہ ایکس ٹائمز اومیگا کریں گے. نکال لینا ایکس آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اومیگا کیا ہوگا, اومیگا کی ویلیو کیا ہوتی ہے, 2 پائی اپون 24. 24 آرز کو کس میں کنورٹ کرنا پڑے گا, سیکنڈز میں. اومیگا از 2 پائی بائی 24 آرز کیونکہ ارتھ کا ٹائم پیریڈ از 24 آرز. نکال لینا آنسر آئے گا. نیکسٹ 25th 6th 26th, planet is revolving around a sun in an elliptical orbit, its closest distance from sun is r minimum اور farthest distance is r maximum, nearest omega farthest نکالنا ہے. دیکھو ایک پلانٹ گھوم رہا ہے سن کے آس پاس, یہاں پر یہ ویلیو آر میکس ہے اور یہاں پر اومیگا میکس ہے. اومیگا میکس ہے نا, اچھا اومیگا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ہم ایسا کر لیتے ہیں, اس کو اومیگا کر لیتے ہیں اور میرے کو یہ نکالنا ہے. مطلب کوشچن میں یہ گیون ہے, یہ گیون ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو پلانٹ ہے وہ الپس میں گھوم رہا ہے تو کبھی ڈسٹینس زیادہ ہو رہا ہے کبھی ڈسٹینس کم ہو رہا ہے. تو جب ڈسٹینس سب سے کم ہے تو اومیگا گیون ہے اومیگا, جب ڈسٹینس سب سے زیادہ ہے تو اومیگا نکالو. ماس مان لو اس کا پلانٹ کا ایم ہے, تو ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا,
जब अर्थ घूमती है सन के आसपास तो क्या कॉन्स्टेंट होता है, वो तो होता है उससे उससे बढ़िया एक चीज एरियल वेलोसिटी का तो कोई न्यूमेरिकल नहीं किया हमने, न्यूमेरिकल नहीं आते उसके ऊपर कुछ और, एंगुलर मोमेंटम आई वन ओमेगा वन इज आई टू रोटेशन मोशन याद है, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेक कर लेना, अर्थ का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जब अर्थ घूमती है। और मैंने बताया था ऐसे केस में सन के आसपास अर्थ को क्या लेना होता है, पॉइंट मास, ठीक है यादव। या फिर इसमें आप ऐसा कर लो इसमें, ठीक है ये भी सही है, पॉइंट आई की वैल्यू यहाँ पर एम इंटू आर की जगह आर, ये आई आ गया, आई आई इज एम स्क्वायर इंटू ओमेगा मैक्स, मतलब मैं ये लगा रहा हूँ आई वन ओमेगा वन और यहाँ पर लगाऊंगा आई टू ओमेगा टू, इन दोनों की वैल्यू को क्या करने वाला हूँ मैं इक्वल, और आई टू की वैल्यू यहाँ पर एम आर मिनिमम का स्क्वायर इनटू ओमेगा क्वेश्चन में गिवन, इन दोनों को इक्वेट कर लो एम से एम कैंसिल, ओमेगा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। मेथड क्लियर है ना, इसमें करना क्या आपको आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, गलती की इसमें, हाँ सही है सही है, जब रेडियो से ज्यादा होता है तो ओमेगा की वैल्यू मिनिमम होती है, सॉरी या मैक्सिमम नहीं होती, यहाँ पर क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो इसको ओमेगा रहने दो कोई बात नहीं, बस यहाँ ओमेगा मैक्स की जगह ओमेगा, तो यहाँ से पहली आ जाएगी ओमेगा, ये निकालना है ओमेगा मिनिमम निकालना है, फिर मैक्स निकालना है इसे जब इसे कर लो सर ने, ये आर मैक्स है आर मिनिमम है, जब आर मिनिमम है तो ओमेगा ओमेगा है, मैंने ठीक किया था वैसे अभी ओमेगा है, मेरे को यहाँ ओमेगा डैश निकालना है, ठीक है ना, वही तरीका है एम आर मिनिमम स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब आई वन ओमेगा एम आर मैक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ओमेगा डैश निकाल लेना, क्लियर याद है, ठीक। नेक्स्ट है 27 में शायद करेक्शन है, बी ऑप्शन में 16 आर बाय 7 होना चाहिए था शायद, इसका आंसर 16 बाय 7 आर आ रहा है, ठीक। 28, 9, 10, 10 सैटेलाइट, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी ई है, सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में घूम रही है तो उसकी एनर्जी ई है, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मिनिमम एडिशनल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट टू एस्केप इनटू आउटर स्पेस इज व्हाट, सैटेलाइट, ये सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही है विद एनर्जी ऑफ ई जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी काइनेटिक एनर्जी, और वी स्टैंड फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर, लेट्स से सैटेलाइट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है स्मॉल, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, और ऐसा करो इसको ना स्मॉल का चक्कर मत डालो, एज्यूम करो कि सैटेलाइट इज वेरी मच क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये ज्यादा आसान है, कैपिटल आर की फॉर्म में न्यूमेरिकल्स होते हैं स्मॉल आर की फॉर्म में नहीं, तो याद है सैटेलाइट अगर बहुत नजदीक है सरफेस ऑफ अर्थ के तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, इसका क्या कर देंगे होल ये ई है, तो ई की वैल्यू आ गई हाफ जी बड़ा एम छोटा एम बाय आर, सही है, यहां तक कोई डाउट है इसमें, समझ आ रहा है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको एस्केप करवाना चाहता हूं
एस्केप, तो मेरे को वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, रूट टू जी एम डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, और यानी कि मुझे काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, हाफ एम वी ई का स्क्वायर, हाफ एम वी ई का मतलब टू जी एम बाई आर का स्क्वायर, या हाफ इंटू एम इंटू टू जी एम बाई आर, चेक कर लो, इसको टू ई लिख सकता हूँ, टू को छोड़ दो, बाकी तो ये ई के इक्वल ही है, ठीक है, सही है ना। अब अगर ग्राउंड से, क्लियर है ना शिप्ता, अगर ग्राउंड से मेरे को सैटेलाइट को फेंकना है स्पेस में तो कितनी एनर्जी चाहिए, टू ई। मेरे क्वेश्चन में सैटेलाइट ऑलरेडी ई एनर्जी के साथ तो घूम ही रही है, तो एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी देनी है, टू ई माइनस ई, टू ई एनर्जी तो उसके पास ऑलरेडी है, ई एनर्जी तो उसके पास ऑलरेडी है ही है, ये ई इतनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी आ गई, ई आंसर आ गया। साइन नहीं है पर चलो अपना शॉर्टकट है आपका, वैसे एक्चुअल तरीका तो यही है, इससे गलती नहीं हो सकती। नेक्स्ट टू ई वाला क्वेश्चन पढ़ो। एंगुलर स्पीड अबाउट इट एक्सिस इज ओमेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो पहले अगर एक सैटेलाइट घूम रहा है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर जी एम एम बाई आर स्क्वायर तो सेम चीज है, घूमने का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, चाहे प्लैनेट घूमे चाहे सैटेलाइट घूमे, ये तो सेम है। यहाँ से इसमें आर आर की आर क्यू की अगर वैल्यू निकाल दी और आर क्यू की वैल्यू आ गई, क्यूब ऑफ डिस्टेंस निकालना तो क्यूब ऑफ डिस्टेंस वैसे ही आ गया, कंफ्यूज करने के लिए बस आर क्यू पूछ लिया, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट नेपच्यून एंड सैटर्न गिवन, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आपको दोनों के डिस्टेंसेस गिवन है, टाइम पीरियड की रेशियो निकालनी है, तो टी स्क्वायर आर क्यूब, टी स्क्वायर आर क्यूब अंडर रूट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट 35 के बाद
سے پہلے پہلے 48 کر لو, 48 دیکھو. Finite number of masses, each of 3 kg are placed along x-axis, x-axis at a distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. तो आपको क्या करना है, 3 kg के मास रखे जा रहे हैं, ये भी 3 kg है, ये भी 3 kg है, ये भी 3 kg है, ये भी 3 kg and so on. आपको क्या करना है, आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिन पे क्या होगी, नहीं इंटेंसिटी की फील्ड निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या निकालना है, आई निकालना है, निकालें आई, तो इसकी वजह से आई क्या होगा. और वैसे भी एक चीज बताओ, जहां आई निकालना है वहां मन में क्या एज्यूम करना है, कितना कितना मास पड़ा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव, ये 3 kg का मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से जो आई होगा उसकी डायरेक्शन भी अट्रैक्टिव होगी, इसकी वजह से जो आई होगा वो भी अट्रैक्टिव होगी एंड सो ऑन, ऐसी है ना. तो पहले फर्स्ट की वजह से आई निकालें, इसकी वजह से जो आई होगा दैट विल बी माइनस, नहीं प्लस, आई किसमें होता है पॉजिटिव में, जी मास कितना 3 kg की वजह से डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, जी एम बाय 1 स्क्वायर, प्लस सेकेंड की वजह से जी इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितने स्क्वायर, 2 स्क्वायर, जी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, जी इंटू 3 डिवाइडेड बाई अप टू इंफिनिटी, एड करते जाओ. और क्योंकि सारे आई की, क्योंकि आई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सारे आई की डायरेक्शन एक तरफ है, तो सारे आई आपस में क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे. ठीक, कोई डाउट इसमें, इसमें जब ये वैल्यू आ गई आपके पास, मैथ्स में इसको हम क्या बोलते हैं, जीपी, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था बॉल्स वाला क्वेश्चन में. और जीपी इसलिए क्योंकि अगर आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे आंसर 1/4 आ रहा है, अगर आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे तो भी 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है. इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, याद है जो रेशियो हर टर्म को डिवाइड करने के बाद कॉमन आ रही है, कॉमन रेशियो. और मैथ्स में अगर आप ऐसे सीरीज, इसको सीरीज बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका अगर आप सम निकालना चाहते हो तो इसको सम निकालने का तरीका है, फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देना है 1 माइनस कॉमन रेशियो. ठीक, मतलब सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला जीपी के अंदर ऐसा होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर,
where A is first term of GP or R is common ratio. ठीक है ना यहाँ तक? तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितनी है 1/4 आ जाएगा आंसर. मेडिकल वाले स्टूडेंट्स क्लियर हैं जिनके पास मेडिकल है, आप बाकी हो तो आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना यहाँ तक? तो जीपी का सम आ जाएगा और मेडिकल वाले ये फॉर्मूला नोट कर लें. ये क्वेश्चन एक ग्राफ का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ना रिलेटेड है प्लस टू के साथ. मैं इसका आंसर आपको इस टाइम दे नहीं पाऊंगा, बहुत लंबी स्टोरी है इसकी. फ्लक्स एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें ग्राफ्स ड्रॉ करने सीखते हैं. किसका ग्राफ? कि जैसे अगर एक स्फीयर है तो स्फीयर के सेंटर से शुरू हो जाएं, बाहर जाते जाएं अप टू आर तक और बाहर आते जाएं, तो आई की वैल्यू कैसे चेंज होती है सेंटर से. मतलब आई और आर का मुझे अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसका तरीका होता है, लेकिन वो ग्रेविटेशन में आपको पता नहीं लगेगा. ग्रेविटेशन में नहीं आप बता पाओगे आई का और आर का क्या रिलेशन है. हाँ, आप ये बता पाओगे कि इंटेंसिटी की वैल्यू अर्थ के बाहर क्या होती है, जीएम अपॉन आर का स्क्वायर. आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. लेकिन अर्थ के अंदर आप निकाल नहीं पाओगे, अर्थ के अंदर के लिए आपको प्लस टू की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो मैं आपको एक शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा. इसका प्रूफ आपको प्लस टू में ही पता लगेगा. तो इसका आंसर जो है वो ये आंसर है इसका, जिसमें अर्थ के अंदर, याद रखना, अर्थ के इनसाइड जो इंटेंसिटी है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. जो अर्थ के इनसाइड की अगर बात करते हो तो अर्थ के अंदर आई इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. वैसे आई का फॉर्मूला होता क्या है, आई इज जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और आप ऐसा भी कर सकते हो, जब हम अर्थ के अंदर काम करते हैं तो वॉल्यूम, हम मास को क्या लिखते हैं, हम मास को लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना. तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, आर. हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट है, एक्चुअल मेथड नहीं है. एक्चुअल मेथड तो आपको प्लस टू बताएगा, बट यहाँ पर हाँ आप ऐसा यूज कर सकते हो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. लेकिन आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर अर्थ के सर्फेस के बाहर करते हो, उसमें आप कभी नहीं लिखते हो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. उसमें सिंपली जो इंटेंसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r². अभी आप याद कर सकते हो क्योंकि स्टैंडर्ड ग्राफ है, अर्थ के अंदर लीनियर है, अर्थ के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². ठीक, कोई डाउट इसमें? छोटे वाला फैन ऑन कर लो इसकी जगह, इसको पावर वाला ऑन कर दो. हाँ हाँ, ये ठीक है, फिर भी एटलीस्ट दूर से हवा आएगी इसकी. आंसर क्या होगा इसका?
या डेप्थ पे जाते हो। क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहती है, तो ये हाइट की वजह से है, ये डेप्थ की वजह से है, इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया हाइट और डेप्थ को, इक्वेट किया, जी से जी कैंसिल हो गया, एक्स और आर में रिलेशन आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें ना अगर आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, डेंसिटी के कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर मैं पानी के अंदर चला गया, या अगर मैं एक बॉब को, पेंडुलम के बॉब को पानी में मूव करवाता हूँ, तो एक्सेलरेशन तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ता है। तो प्लीज अभी सिर्फ एक दो लेक्चर के लिए इसको छोड़ दो, चार दो तीन लेक्चर के बाद आर्गोनीज प्रिंसिपल आने वाला है, उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरी असाइनमेंट में भी है, और मैं दिखाता हूँ अभी आया भी था ये वाला क्वेश्चन, ऐसे एक दो क्वेश्चन है ये वाले, जैसे एट अ गिवन प्लेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, स्फीयर ऑफ डेंसिटी टी इज जेंटली रिलीज्ड इन अ कॉलम ऑफ लिक्विड, जहां लिक्विड आ जाएगा प्रॉपर्टीज, लिक्विड का स्टार्ट होने वाला है। तो जब ये लिक्विड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये देखने की जरूरत है, आपको अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वैसे मैं करवाऊंगा अभी उसके अंदर, तो अभी आप मत देखना इसे, अननेसेसरी मेरे को आपको यूज करवाना पड़ेगा, और वो भी ऐसे ही मजा भी नहीं आएगा उसको करके, उसका फायदा नहीं होगा। ये देखो, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड जब वो सरफेस पे पहुंची कितनी वेलोसिटी बताओ क्या है। तो यहाँ पर तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जीएमएम बाय, घूम नहीं रही तो काइनेटिक जीरो, और जब अर्थ पे आती है सरफेस पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जीएमएम डिवाइडेड बाय आर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर तो डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा आर, ठीक है ना। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है, और हाइट आर पर ये इन दोनों को इक्वेट कर लो, वी की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर क्या है, सी सॉल्व करने की भी क्या जरूरत है, हाफ आर है ना हाफ, तो आंसर में टू आना जरूरी है, और अंडर रूट आना जरूरी है, क्योंकि वी स्क्वायर से वी निकलेगा तो रूट आएगा, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करो, आपके असाइनमेंट में नहीं होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, 100 तक है आपके, करना सॉल्व।
एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेसशिप में हैं और स्पेस में और उनके ऊपर जो फोर्स है वो आपस की ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, पहले इस बात को समझो, इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अगर ये कुर्सी पड़ी हुई है, ये कुर्सी भी कुर्सी के ऊपर फोर्स लगाएगी, फिर ये चेयर्स एक दूसरे के पास क्यों रिमूव करती, मैं भी इसके ऊपर ये मेरे ऊपर, तो हम एक दूसरे को कोलाइड क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि इसने रोक के रखा हुआ है। हटा दी फ्रिक्शन, अब वेट नहीं है मेरा, अर्थ अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल नीचे खींच रही है, मैं उसको ओवरकम ही नहीं कर पाता हूँ, ये और मैं एक दूसरे को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, हाँ, पर हम एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्पेस के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर आप चेयर्स को भी रख दोगे तो हो सकता है चेयर्स भी आपस में कोलाइड कर जाए या एक दूसरे के आसपास सर्कल में घूमना शुरू कर दें, जैसे सन और अर्थ घूमते हैं। तो फिर दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट टकरा क्यों नहीं जाते एक दूसरे से, क्योंकि टकराना चाहते हैं लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट जो आसपास हैं वो फील्ड लगाते हैं और उनकी वजह से वो टकरा नहीं पाते हैं। अब अर्थ है, अर्थ जाके किसी प्लैनेट से टकरा जाए, कौन मना कर रहा है, क्योंकि प्लैनेट अर्थ को खींच रहा है और अर्थ प्लैनेट को, किसने रोक के रखा हुआ है, सन ने, सन जो खींच रहा है और सर्कल में घुमा रहा है प्लैनेट्स को, तो टकरा नहीं रहे। यानी कि गैलेक्सी के अंदर हर कोई एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो तीसरा प्लैनेट या तीसरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वजह से वो टकरा नहीं पा रहे। अब वो कहता है, अब छोड़ो इन चीजों को छोड़ो, अब स्पेस में चले जाओ तो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको मान लो कोई नहीं रोक रहा, कोई प्लैनेट दुनिया में बस स्पेस ही स्पेस है, खाली पड़ा है। अब अगर वो एक दूसरे के आसपास खड़े हुए तो हमेशा एक दूसरे को टकराएंगे, एक दूसरे के अपने पास आना शुरू हो जाएंगे, और कितने दोनों का मास 100 केजी है और कितने मीटर अपार्ट है 100, दे आर इनिशियली अट्रैक्ट, हाउ लॉन्ग इट बी बिफोर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ब्रिंग्स देम 1 सेंटीमीटर क्लोजर। जब उनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर क्लोजर हो जाएगा, नहीं 1 सेंटीमीटर क्लोजर नहीं, 1 सेंटीमीटर जब वो मूव करेंगे क्लोजर, 1 सेंटीमीटर पास आएंगे, तो बताओ उस केस में कितना टाइम लगेगा उनको पास आने में, पास तो आएंगे बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पुल। मैं इसके पास आ रहा हूँ, ये मेरे पास आ रहा है, डिस्टेंस हम दोनों का कॉमन है 1 सेंटीमीटर जो भी है, लेकिन हमारी एक्सेलरेशन, मान लो मेरी A1 है, इसकी A2 है, वैसे सेम ही होगी इसमें, तो इस क्वेश्चन में रिलेटिव एक्सेलरेशन लेंगे ना, इस क्वेश्चन में ऐसे करेंगे ना कि सपोज करो एक एस्ट्रोनॉट है, एक दूसरा एस्ट्रोनॉट है, अगर मैं ये निकाल दूं कि इनका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एस है, मिल के एस है, एक का नहीं दोनों का, इसकी एक्सेलरेशन A2, इसकी A1, टाइम टेकन टी, ये दोनों को कवर करने में, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ एस इज इक्वल टू हाफ U0 है। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू A1 प्लस A2 इंटू टी का पॉइंट, समझ में आ गया, क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो यहाँ पर एक ही एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पर दोनों के एक्सेलरेशन मेरे को लेनी पड़ेंगी, तो दोनों के दोनों ने मिलके एस डिस्टेंस कवर किया, तो मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन A1 एंड A2 निकल जाएगा। आप दोनों की फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स की वैल्यू इनमें क्या होगी, इधर देखना, फोर्स की वैल्यू GM1m2/r² डिवाइडेड बाय पहले एस्ट्रोनॉट का मास, तो ये पहले एस्ट्रोनॉट की एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये वैल्यू आ गई, और यहां से A1 आ गया, और ऐसी सेकेंड बॉडी की एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन सेकेंड बॉडी का मास, तो ये वैल्यू आ गई, तो वैसे सेम ही आएगा क्योंकि दोनों बॉडीज का मास इज सेम, पर मैंने इसलिए ऐसा किया हुआ है कि अगर कल को मास भी सेम ना हो तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड A1 एंड A2, फोर्स अपॉन M1, फोर्स अपॉन M2, याद क्लियर है। तो यहां से आपके पास A1 A2 की वैल्यू आ गई, टोटल एक्सेलरेशन के लिए ट्वाइस कर दो, एस यूटी प्लस हाफ A2², डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कवर किया, कितने टाइम में किया वो निकालना है, यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, मेथड क्लियर है, कोई डाउट इस पर?
नेक्स्ट है क्वेश्चन है फोर पर्संस, आगे देखो फोर पर्संस ऑफ इक्वल मास m मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल क्या होगी वो निकालनी है। देखो क्वेश्चन ये है कि इसमें ये चार पार्टिकल्स हैं, एक दो तीन और चार, ये चारों सर्कल में मूव करना चाहते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी सर्कल में ये निकालनी है। सर्कल में कैसे मूव करेंगे, इस स्पेस में है, अर्थ पे नहीं घूम सकते, ये अर्थ में तो अर्थ घूमने नहीं देगी अपने आप उनको, मैं नहीं घुमाऊंगा स्पेस में, छोड़ दो चारों को, चारों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ग्रेविटी की। और कैसे लगाएंगे, देखो इस मास को ये मास खींचेगा विद सम फोर्स, इस मास को ये मास खींचेगा विद सम फोर्स, तो इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इसके ये टोटल एंगल कितना है 90, तो उस केस में नेट फोर्स कहां एक्ट करेगी नीचे, कैसे, पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर इसमें, और इसमें नेट फोर्स क्या होगी अंडर रूट ऑफ बस 2f1f2 cos 90 तो जीरो होता है, सॉरी चार मैं भूल गया, मुझे लगा दो पार्टिकल्स हैं, तीन पार्टिकल्स हैं, एक और लेनी पड़ेगी यार मेरे को, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है और एक ये तीसरी फोर्स है, तीनों मिलकर खींचेंगे, सही है। तो इनका तो मेरे को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इसका जिसकी मैं अभी बात कर रहा था अंडर रूट ऑफ f1² + f2² और मान लो ये f3 है, f3 मतलब इस पार्टिकल की फोर्स, तो टोटल फोर्स जो यहां टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगी उसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ प्लस f3, ठीक है ना, यहां तक f1 f2 का तो रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आ गया और f3 तो ऑलरेडी सेंटर की तरफ है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स प्लस f3। एनी डाउट, क्लियर है यहां तक, समझ आ रहा है, तो टोटल फोर्स आ गई और ये फोर्स एक पार्टिकल की कहां एक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंटर, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या mv² / r। अब आपको प्रॉब्लम ही, आपको r निकालना पड़ेगा, हर पार्टिकल का r निकाल दो, r क्या होगा, r r आ जाएगा, बताता हूं कैसे, एक क्वेश्चन क्लियर है सबको, और f1 की f2 की और f3 की वैल्यूज देखिए क्या होगी, ये क्वेश्चन क्लियर है ना जो मैंने लिखी, ठीक। तो इसमें मेरे को सबसे पहले f2 निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, अगर ये रेडियस r है, ये मैथ्स है, ये cos ऑफ 45 लगा लो, cos 45 इज r डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस x, तो r बाय x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r डिवाइडेड बाय cos ऑफ 45, ठीक है ना यादव, तो यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 45, कोई डाउट इसमें, मींस ये x आ गया तो समझो ये x भी आ गया, वो तो सबके लिए सेम है, ये x आ गया तो ये x भी आ गया, मतलब f2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, f2 और f1 की वैल्यू सेम होगी, g मास है, मास m अपॉन x का, x आप निकाल लोगे r की टर्म्स में, ठीक है ना, यहां तक तो f1 f2 आ गया और f3 की वैल्यू तो वैसे ही क्लियर है, g f3 का मतलब इसमें इसमें फोर्स, g m इंटू m डिवाइडेड बाई 2r का, क्योंकि दोनों मासेज में डिस्टेंस कितने हैं 2r, याद है, क्लियर है, तो f1 f2 f3 की वैल्यूज मैंने आपको बता दी और नेट इक्वेशन भी बता दी मैंने आपको कि नेट इक्वेशन में f2 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर तो होगा ही होगा और इनके रिजल्टेंट में क्या ऐड करेंगे f(3) mv² / r, r भी बड़ा कर लो क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन r में, यहां से v निकाल, मेथड क्लियर है ना, यहां तक मतलब ऐसा हमने ट्राइंगल में तो किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये स्क्वायर में आ गया, बोलो
बात नहीं, मेथड क्लियर है सबको? ऑर्बिट अराउंड अ सन टाइम पीरियड गिवन है, इट्स ऑर्बिट इज कोप्लेनर विद दैट ऑफ अर्थ. अगर ये सन है, ये अर्थ है, ये प्लैनेट है. व्हाट इज टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट द ऑर्बिट? तो कितना टाइम प्लैनेट लेगा ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए? टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट द ऑर्बिट अराउंड द सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ. अब प्लैनेट भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लैनेट का जो ओमेगा होगा, अर्थ का जो ओमेगा होगा, दे आर सपोज इन सेम डायरेक्शन. तो प्लैनेट का ओमेगा, तो मतलब नेट ओमेगा क्या होगा? प्लैनेट का ओमेगा माइनस अर्थ का ओमेगा. रिलेटिव वेलोसिटी वाला कांसेप्ट आ गया, ठीक है ना? तो मेरे को टाइम पीरियड इसके अकॉर्डिंगली निकालना है. तो सही है, ये रहा प्लैनेट माइनस अर्थ, जो नेट ओमेगा होगा प्लैनेट माइनस अर्थ, और जो आपका प्लैनेट है उसका 3 इयर्स है, 3 साल है प्लैनेट का, और अर्थ का मान लो कितने है, 1 ईयर है. इयर्स में बात करते हैं, अर्थ का 1 ईयर है तो प्लैनेट का 3 इयर्स है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो यहां से सॉल्व करके और ओमेगा की जगह 1/2π/T, मतलब इसमें आप ऐसा कर सकते हो, इसकी जगह 2π/T, 2π 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 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया, टाइम पीरियड आ गया. अगर रिलेटिव ना होता ना तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाता मैं. रेडियस नहीं था, मैं कैपिटल लॉसेस सॉल्व कैसे करता? तो ये तो सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एंड में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के बनता था, ठीक है ना? यहाँ अमन, एक प्लैनेट घूम रहा है, एक अर्थ घूम रही है, एक प्लैनेट घूम रहा है. अर्थ का टाइम पीरियड 1 साल है और प्लैनेट का टाइम पीरियड 3 साल है, ठीक? कह रहा है कि बताओ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू, जब हम अर्थ घूमते घूमते अर्थ पे अगर मैं प्लैनेट को देखूं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? वैसे तो टाइम पीरियड 3 साल गिवन नहीं है, क्वेश्चन क्या सॉल्व करना, और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा पी माइनस ओमेगा ई निकलेगा, ठीक? लास्ट क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल ट्रेन्स हैं ए एंड बी आर मूविंग ऑन रेल्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. इक्वेटर के ऊपर मूव कर रही है. अब इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला सबको मालूम है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0. तो ये इक्वेटर के ऊपर फॉर्मूला आ गया. दो ट्रेन इक्वेटर के ऊपर मूव कर रही है, इक्वेटर के साथ साथ रेल पीछे हुई है, लेकिन एक मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट, एक मूव कर रही है टुवर्ड्स वेस्ट. किसका प्रेशर ज्यादा लगेगा या सेम लगेगा? देखो, तो इसमें ये रेल है, जो हमारी अर्थ है वैसे घूम रही है, पहले केस में ट्रेन भी ऐसे घूम रही है टुवर्ड्स ईस्ट, और दूसरे केस में ट्रेन भी जो है अर्थ अगर ऐसे घूम रही है, तो सेकेंड केस में ट्रेन सपोज कैसे घूम रही है, ऑपोजिट घूम रही है, ठीक? मतलब एक केस में ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, दूसरे केस में ट्रेन ऑपोजिट में है. तो इससे नेट ओमेगा चेंज हो गया, क्योंकि जो ट्रेन का ओमेगा था घूमने का, अगर अर्थ के साथ घूम रही है तो तेज घूमेगी अर्थ के हिसाब से,
اپوزٹ گھوم رہی ہے تو تھوڑی سلو گھومے گی, اگر تو اپوزٹ گھوم رہی ہے تو سوری اگر سیم ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے تو اومیگا ناٹ مائنس اومیگا ای, دو کار سیم ڈائریکشن میں جا رہی ہیں ریلیٹو ویلوسٹی, ایک کار کی ویلوسٹی مائنس دوسری کار کی, اور اگر اپوزٹ جا رہی ہیں تو دونوں ویلوسٹیز کو کیا کر دیتے تھے, ایڈ کر دیتے, ٹھیک ہے نا. آپ 40 پہ جا رہی ہو میں 20 پہ اپوزٹ, تو 40 پلس 20 60, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب جو اومیگا کی ویلیو وہ چینج ہو جائے گی. اب اکویٹر کے اوپر ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی جی مائنس آر اومیگا اسکوائر, ٹھیک ہے نا. یا پھر پہلے کیس میں, کیس نمبر 1 میں جی مائنس آر انٹو اومیگا کی جگہ کیا پٹ کریں گے, اومیگا ناٹ مائنس اومیگا ای کا اسکوائر, یہ رہا. اور سیکنڈ کیس میں کیا پٹ کریں گے, جی مائنس آر اومیگا ناٹ پلس اومیگا ای کا اسکوائر, ٹھیک ہے نا. یہاں تک اور میتھس ہے کہ اس میں یہاں پر یہ پلس آ رہا ہے اور یہاں پر یہ مائنس ہے, اس کا مطلب یہ والی ویلیو کم ہے, اس کا آنسر زیادہ آئے گا, یہ تو کانسٹنٹ ہے نا دونوں کیس میں, تو یہ ویلیو زیادہ ہے اوور آل, اس کا آنسر کیا آئے گا, کم آئے گا. جہاں ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی زیادہ آئے گی وہاں ٹرین کا ویٹ بھی زیادہ ہو جائے گا, پریشر بھی زیادہ لگے گا, تو کیس نمبر 1 میں پریشر زیادہ لگے گا. میتھڈ کلیئر ہے یہاں تک, ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی نکالنی ہے آپ نے زیادہ یا کم, دیکھ رہی ہیں کہ جہاں ایکسلریشن زیادہ ہے وہاں پریشر یا ویٹ بھی زیادہ ہے, کوئی ڈاؤٹ اس میں.